तुम थोड़े ऐसे बैठो, वो पीछे वाले दिखाई नहीं दे रहा है, या आगे जो बैठे आना हो तो अब ठीक है चलो। जय श्री ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई सबसाहूण। नमः शमेसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावांतरचे। एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाना है, यदि आप पढ़ना चाहें जिंदगी भर काम आएगा आपको, और उसका फल है केवल ज्ञान। बोलो पढ़ना है? जिन बच्चों को मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ तो फिर आगे आ जाएं। छोटे कद के बच्चे हैं कई, जो दबे दबे से दिख रहे हैं मुझे, यदि चाहें तो आगे आ जाइए जल्दी से, बीच में अपन डिस्टर्ब नहीं होंगे। मेरे को कई चेहरे दिखाई नहीं दे रहे इधर से, जिन लोगों को पढ़ने की रुचि नहीं होती वो ऐसे बैठ जाते हैं ताकि अपन दिखें ही नहीं। लेकिन ये लड़का बहुत अच्छा है, ग्रीन शर्ट सबसे पीछे चश्मा वाला, आगे आ जा बेटे, तेरे को ही बुला रहे हो, आगे आ जा, ये आ जाइए मेरे पास आ जा बेटे। और कोई अच्छी बच्ची हो तो आगे आ सकते हैं आजा, बहुत जगह इधर। अभी ध्यान से सुनना, करूँ शुरू करूँ? एक्चुअली जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको बहुत फोकस करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वर्कशॉप की, मैंने वर्कशॉप करना चाहिए इसमें। तो मैं बता रहा हूँ एक फार्मूला, मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्या सारे सिद्धांत इतने अच्छे हैं कि आप उसे मोटिवेशन में काम ले सकते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने में काम ले सकते हैं। मैं एक सूत्र पढ़ा रहा हूँ आपको, तत्वार्थ सूत्र का दूसरे अध्याय का 18वां सूत्र। कौन से अध्याय का? उसका नाम है लब्धि उपयोगो भावेन्द्रियम। नाम सुना है आपने? बोलेंगे एक साथ? एक बार और बोलिए। अब इसे गौर से सुनना, इसमें कितना सिंपल सूत्र है, मेरे हिसाब से ये पूरा मोक्ष जाने का सूत्र है। इस सूत्र अकेले में पूरी आर्ट ऑफ लिविंग छिपी है। हमारे ज्ञान में एक बहुत सुंदर सुविधा है जो केवल ज्ञान में नहीं है, अवधि ज्ञान में नहीं है, मनोपरय ज्ञान में भी नहीं है, लेकिन मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में एक बहुत सुंदर विशेषता है जिसके बल पर हम केवली के समान सुखी हो सकते हैं। समान कह रहा हूँ, क्षोभसम ज्ञान की और उस अनंत सुख को मत लेना, आप अनंत ज्ञान अनंत सुख को नहीं लेना, लेकिन हम सुखी हो सकते हैं। मति सतक ज्ञान में एक विशेषता है लब्धि और उपयोग,
क्या बोला हमने, लब्धि और उपयोग। जरा इसको ध्यान से सुनेंगे, लब्धि उपयोग का मैं एक ही दृष्टांत दूंगा, आपको जिंदगी भर याद रहेगा वो। लब्धि और उपयोग एक ही समय की पर्याय में होता है, क्या बोला हमने, एक ही समय की पर्याय में होता है। अभी कमाल की बात इसमें है कि आपकी थाली में भोजन है, ये कहलाती है लब्धि, और जिस जिसको आप खाते जाते हैं वो कहलाता है उपयोग। दृष्टांत सरल ही कठिन है। आपके पॉकेट में 1 करोड़ रुपया है, आपके बैंक बैलेंस में 1 करोड़ रुपया है, ये हुआ लब्धि। इसमें से जितने रुपया आप खर्च करते हैं वो कहलाता है उपयोग। 2 एग्जाम्पल हो गए, अब मेरे ख्याल से ज़्यादा एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है। आइए हम इसका प्रयोग करें। हमारे को जैसे ही सब कुछ दिखाई देता है ये लब्धि है, और हम जिसको फोकस करते हैं वो उपयोग है। हमें तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, आपके मोबाइल में बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, आपको भी पता नहीं होता कितने फंक्शन हैं उसमें, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर, सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको नहीं मालूम पड़ता। 100% कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, वह उन्हीं को ही पता नहीं होते। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको 100% पता हो। ये मोबाइल के सारे फंक्शन किसी को पता नहीं होते, ये तो दृष्टांत दे रहे। लेकिन आप जितने फंक्शन प्रयोग करते हैं ना, वो उपयोग कहलाता है। अब आ जाइए अपन इसके आर्ट ऑफ लिविंग सीखें। इसमें से आपको सुखी होना है कि दुखी होना है, तो सभी बोलेंगे हमें सुखी होना है, कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा हमें दुखी होना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग फोकट में दुखी होते हैं। आपकी थाली में, या यूं समझो डफर सिस्टम में, हरी मिर्च भी है तली हुई, लाल मिर्च का छौंक भी रखा हुआ है, करेला भी रखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे आइटम रखे, मिठाइयाँ भी रखी। अब दुखी होने वाला व्यक्ति क्या करता है पता है, देखो करेले की सब्जी बनाई, करेले अरे तू मत खाना, ए लाल मिर्च रखी, बताओ लो हमें लाल मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तो मत खाना, रखी रहने दे। समझ गए दृष्टांत, सुखी होने की विधि समझ में आई कुछ? ऐसे बेटे दुनिया में हमें सब कुछ जानने में आएगा, बस कमाल ये है कि आप लब्धि में डाले रखिए, उपयोग मत करिए। कुछ बहुत बड़ी बात कह दी आपको, दुनिया में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपको सब कुछ जानने को मिलेगा, नई नई जानकारियां मिलेंगी, नई नई बुराइयां जानने को मिलेंगी। आप उनका उपयोग करेंगे तो आप दुखी रहेंगे, आप उन्हें लब्धि में पड़े रहने दीजिए। लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, इस सुखी होने की विधि हो गई। आपको पता है जब हमें दुखी होना होता ना, हमें गंदी गंदी बातें याद आती, मैं बहुत गंदा हूँ, मैं फेल हो गया, मेरे नंबर नहीं आए, देखो इतना गधा था इसकी पोजीशन लग गई और मेरी पोजीशन नहीं लगी। सुना, आपको दुखी होना हो तो हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी इसी शिविर के बाद, रिजल्ट खुलने के बाद दुखी हो रहे हों, इसके नंबर कैसे ज़्यादा आ गए, मेरे क्यों कम हो गए, ये तो पार्शलिटी है। अरे सुन, नंबर को देखने से कोई मजा नहीं कर सकता, तुम उधर देखो तुमने इस शिविर में सीखा क्या है, इस शिविर में तुम्हें क्या क्या मिला है। मैं समझता हूँ इन 8 दिनों में आपने बहुत कुछ पाया है, आपके चेहरे बता रहे हैं, आप प्रवचन करने जाएंगे देखना इनमें से बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे आप, तो ऐसा नहीं समझिए, उधर देखिए आपको मिला क्या क्या है। अभी वाले एग्जाम्पल दिया, आप मिर्ची मत खाइए ना, करेला मत खाइए, क्या दिक्कत है, मत खाइए, लेकिन खा रहे रसगुल्ला बहुत खराब लोग हैं, करेला बना रखे बता, करेला की याद कर करके आप दुखी हो रहे हो। तो दुनिया में अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं। जिन वाणी में आपको मुख्य और गौण करके सीखने की विधि है, आप दुखी होना चाहते हो तो बुराइयों को याद करते हो, कमियों को याद करते हो, देखो हम तो पर्याय दृष्टि है, अब हम तो मिथ्या दृष्टि हैं, आचार्यों ने लिखा है पर्याय दृष्टि है, ऐसे थोड़ी सब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। लिख बात तो सही है भगवान आत्मा, ये प्रवचन में तो कहने की बातें हैं, लिखा है वो समय सारजी तो ठीक है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि में क्या लिखा है ये भी तो पढ़ो, राजभारती में क्या लिखा है, जीवन आदिकाल से पापी है, रागी है, द्वेषी है, लोभी है। अब रोने वाले यहाँ से पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन करने की विधि यह है, अब तुम समझ लेना क्या विधि है, मैं इस दृष्टांत दे रहा हूँ। एक व्यक्ति पर 20 साल तक मुकदमा चला, हत्यारा का, हत्यारे होता, कितनी फाइल भर जाएंगी 20 साल में, सोच सकते हो,
कितने कागजात प्रयोग होंगे, कितनी फाइल भर जाएंगी, यदि उन सबकी रिकॉर्डिंग की जाए तो मुकदमे में कितनी लड़ाइयाँ होंगी, दोनों तरफ के वकील बोलेंगे ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, जज साहब ये हत्यारा है इसे फांसी लगनी चाहिए, ऐसे चिल्ला रहे। लेकिन आखिरी में डिसीजन आया बरी निर्दोष। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, आप 20 साल की फाइल पढ़ना पसंद करोगे या ये अंतिम दो अक्षर पढ़ना पसंद करोगे? जब इतना सा बच्चा समझता है, आखिरी में जो निर्दोष कहा गया है ना तीन अक्षर, बरी किया जाता है ये दो अक्षर, आप इसे पढ़ करके एकदम इतने खुश होंगे। अब वो जो वकील जो आपसे कह रहा था ना बार बार आपके बारे में, मी लॉर्ड ये हत्यारा है, आप उसे देख के मुस्कुराए और बोल फांसी लगवाएगा लगवा मैंने उसे देख के द्वेष नहीं कर रहा हो, अब उसे कुछ नहीं लग रहा, इतनी सारी फाइलें कोई नहीं पढ़ेगा। भाई साहब द्रव्यान योग और कारण परमात्मा की चर्चा, ये अनादि काल के पूरे मुकदमे की, अनादि काल का जो जन्म मरण का मुकदमा है उसका रिजल्ट है कि आखिरी में कहा कि तूने चाहे जितने पाप किए हो, विकार किए हो, राग किया हो, जन्म मरण किया हो, कसाय हो, असंख्यात लोक प्रमाण हो, तो अभी भगवान आत्मा ज्ञायक है, मात्र ज्ञाता ही है, ज्ञात वो तो वही है, निर्दोष है। आपने अभी नए चक्र पढ़ा था, आठ नए, आखिरी नए में क्या विषय आया था? परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय, क्या था ये, था क्या इसका मतलब, क्या था कि पारिणामिक भाव, कि कारण परमात्मा, नाम कुछ भी रखो, जो कभी अशुद्ध हुआ नहीं और कभी शुद्ध होगा भी नहीं, तो जी पकड़ने लायक बात है। आपको ही बता रहा हूं, आपको सम्यक दर्शन करना हो तो आज समझ लो अच्छी तरह से, ऐसा नहीं हो अपन तो बहुत गंदे लड़के हैं, अपने तो बहुत भिकारी भाव हैं, किसी को पता नहीं है, वो तो नहीं तो लोग नफरत करने लगेंगे, मैं बहुत गंदा हूँ, मैं बहुत गंदा हूँ। हम कह रहे तुम परमेश्वर हो, अब वो गंदे को देखने के चक्कर तुम परमेश्वर नहीं देख पा रहे, इसलिए हम खोल के कह देते हैं भैया सप्तव्यसनी अंजन चोर से बुरे नहीं होता और सातवें नरक के नार की जैसी कसाई नहीं है। पंडित जी मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे नहीं आता, कौन को आता है गुस्सा, बताने जरा किस किस को आता है? सातवें नरक के नार की वो सम्यक दर्शन हो जाता है, तुम उससे भी ज्यादा खतरनाक हो। बोलो पंडित जी, लेकिन क्या बताऊं, क्या बताओगे तुम, 96,000 नानी शादी करने की भाव आ रहे किसी को, क्या है, क्या सोच रहे हो? मैंने छोटी छोटी बातें, बिल्कुल बिल्कुल छोटी, मैं क्या बताऊं, आप बहुत ही छोटी, उन्हें याद कर करके आपको ये अभी भी सम्यक दर्शन इसलिए नहीं होता है कि सब मुझे अच्छा समझते हैं लेकिन मैं तो बहुत गंदा हूं। मैं कह रहा हूं बेटे, फिर कह रहे, जितनी गंदगी है वो अनंतवा का अनंतवा भाग है और तुम अनंत से अनंत गुण पवित्र परमात्मा हो। अब जी हम तुम्हें जजमेंट दिखा रहे हैं आचार्य कौन कौन स्वामी का, सीमंदर स्वामी का, कि बरी बिल्कुल निर्भय हो गया, आनंद करो, उल्लास करो, उत्साह, ओ गजब हो गए मैं परमात्मा। अभी आपको कैसा लगता है मालूम, सब बच्चों के चेहरे से देखो भैया, ये भी एक थॉट है, ये भी एक, ठीक है, ये भी एक नए है। नहीं नहीं बेटे, नए नहीं है, इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। सप्तव्यसनी अंजन चोर और 96,000 जो मैंने कहा अभी आपको, छह खंड की लड़ाई लड़ने वाले वो 60,000 बरस, ये अनंत का अनंत भाग है। इसे एक सेकंड में ध्वस्त किया जा सकता है, एक सेकंड में, जिसको ऐसा लगता है ना मेरे कर्म शायद अनंत भवों में नहीं धुलेंगे, आप मेरे से मिलने ना अंतर मुहूर्त में धुलेंगे। क्या बोला एक बार जरा तुम ही बोलो, संपूर्ण विकार जो गंदे से गंदे हो सकते हैं, ओसामा बिन लादेन तो नहीं हो तुम, लादेन के विकार भी अंतर मुहूर्त में धुले, ऐसी ताकत है। इतनी सी रुई जलाने में कितनी देर लगेगी और इस पूरे भवन को रुई से ठसा ठस भर दिया, ठसा ठस पैक करके, वो रुई जलने में कितनी देर लगेगी? एक चिंगारी बहुत है, ऐसी कारण परमात्मा हूँ, ध्रुव हूँ, आप इसे बार बार उपयोग में लो, बार बार उपयोग में लो, इनको मत देखो इधर, इसकी यह है चिंगारी, एक समय मात्र को यहाँ चिंगारी लग जाएगी। आठवें नंबर का नए का विषय, भगवान आत्मा, ध्रुव हूँ, परमात्मा हूँ,
इसकी मस्ती मस्ती ये है वो आग लगाने वाली, सारे विकार स्वा हो जाएंगे, ये ऐसे स्वा होंगे पता भी नहीं लगेंगे आपको। अब अभी अभी आपको क्या लगता है, ठीक है वो लिखा तो है भैया, जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, कोई को पता नहीं मैं बहुत गंदा हूं, अरे गंदे हो ही नहीं ये कह रहे हैं हम। लब्धि और उपयोग, अब इसके प्रैक्टिकल कर रहा हूं और प्रैक्टिकल कर रहा हूं, कोई आपको बहुत गंदी गाली माँ बहन की गाली दे दे तो आपको कैसा लगता है, कौन कौन बर्दाश्त कर लेगा इस गाली को और मुस्कुराएगा, कोई नहीं बर्दाश्त कर पाए, मेरी माँ तक मत जाना मेरे बाप तक मत जाना, नहीं बर्दाश्त कर पाओगे ना, नहीं कर पाओगे पक्का, इसलिए क्योंकि आप माँ बाप की वो गाली पर उपयोग कर रहे हो, आपको लब्धि में क्या क्या पड़ा वो नहीं पता है। मैं आपको इसका सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपकी ही लाइफ में, जब आप माँ बहन की गाली को गौण कर दोगे और उपयोग में पैसा ले लोगे। मार्केट में हर व्यक्ति गाली बकता हो, मान लो बकते ही लगभग लगभग गाली बकते हैं, और तकिया कलाम तो समझते हो, तकिया कलाम वो गाली से ही बात करते हैं वे, मैं रिपीट नहीं कर सकता, मैं तो बोल भी नहीं सकता, मेरी मेरी जिंदगी में कभी जवान पे गाली आई नहीं, ये मेरे पिताजी का उपकार समझ लीजिए, स्ट्रिक्ट अनुशासन से मैं गाली मैं, दो चार गालियां हैं मेरी पेटेंट ढोर ऐसे दो चार गालियां है, बाकी तो मेरे से ज्यादा होता नहीं, तो समझ में आया, तो मुझे जो कहना वो समझो, बोलो भैया आप गाली बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अब सुनो, तो हमें करोड़ों का बिजनेस करना है और एक व्यक्ति को आपने 1 करोड़ रुपए का माल उधार बेचा है, उस आदमी की एक गंदी आदत है, ईमानदार बहुत है वो, 25% प्रॉफिट होता है आपको, मतलब एक महीने में कितना पैसा कमा लेते हो आप उससे, 25 लाख, और वो व्यक्ति की आदत गंदी है, बस माँ बहन की बोलता है वो, बोलता है वो जो भी उसे बोलना है बोलता रहता है वो, तो आप उससे बिजनेस करोगे कि नहीं करोगे, हाथ खड़े करो कितने लोग बिजनेस नहीं करेंगे उसके साथ, करो ना हाथ खड़े। अब देखो इसका मतलब है आप वो गालियां सुन सकते हो, क्योंकि अब आपको गाली नहीं दिख रही, आपको 25 लाख दिख रहा है, पंडित जी 25 लाख, फिर हम आपको याद रहे, क्यों तुमने क्या सुना इससे अभी हाल गाली दे रहा था, अरे पंडित जी तकिया कलाम है उसके हृदय में कुछ नहीं, वाह भेद विज्ञान अब तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है, उसके हृदय में कुछ नहीं है, वो तो बोलता ही है, उसकी तकिया कलाम है जब देखो जब बोलता है, और आजकल तो सब ही बोलते हैं पंडित जी, यदि यहाँ से देखेंगे तो बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे, मैंने इसका मतलब है जब प्रॉफिट दिखाई देता है ना, उपयोग उपयोग पकड़ा, अब गाली पर उपयोग नहीं है, अब प्रॉफिट पर उपयोग है, तो गालियाँ आप सही बताना ईमानदारी से, आप बता सकते हो दिन भर में कितने लोगों के मुख से गाली सुन चुके हो, रेल में बस में फला में इसमें सड़क पर बिजनेस में इधर उधर, आपको कितनी याद है, मैं पूछ भी लूँ बताओ दिन भर आज कितनी गाली सुनी, तो हो सकता है आपने उन पर ध्यान नहीं दिया हो, तो देते तो हैं लोग लेकिन पता नहीं कौन कौन ने दी कहाँ कहाँ दी, देते तो हैं, इसका मतलब आपने उसे लब्ध में डाल रखा है, आपने उपयोग में नहीं ली। ये मैंने एक एग्जाम्पल इजी दिया आपको, आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल बताऊंगा अभी बैठ कर, अब आपको आपको दुखी होना है ना, तो आप वही चीज़ देखोगे, आप यहाँ से स्कूल जाओ, रास्ते में गंदा पोस्टर एक जगह लगा रहता है, आपको गंदे की रुचि होती है ना, तो जब भी आप बस में बैठे होंगे तो उस जगह पे जरूर एक बार देखोगे, उस पिक्चर का पोस्टर वहाँ जरूर लगा होगा, आज कौन सा लगा है, आज कौन सा लगा है, अब आपकी आप उपयोग वहाँ ले जा रहे हो, ये है, आप चाहो तो उसी समय सम्यक दर्शन कर सकते हो, उसी समय चाहो तो अच्छी चीज़ें देख सकते हो, आप चाहो तो अच्छी बातें पढ़ सकते हो। मैंने कल कहा था आपको केवल जिंदगी में अपने आप में टैलेंट पैदा करना है ना, आप टैलेंट को फोकस करो, आप सीखते चले जाओ, मुझे इतना मजा आता है न्यूज़पेपर पढ़ने में, इतना मजा आता है, आज भी एक बहुत अच्छी स्टोरी आई, कल भी एक बहुत अच्छी स्टोरी आई थी, बहुत अच्छी, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी भी कि नहीं पढ़ी, इसलिए मैंने कहा था जो लोग कहानियां लिखना चाहते हैं उन्हें मैं 1 लाख कहानियों के सोर्स बता सकता हूँ, बिल्कुल न्यू ब्रांड कहानियां, बड़ी उपकारी कहानियां, हमारे जैन शासन को सिद्ध करने वाली कहानियां बता सकता हूँ जिसको रुचि हो तो। अभी मैं वो 2 कहानियां नहीं सुना रहा हूँ, टाइम होगा तो बाद में बता देना तो मैं सुना भी दूंगा,
क्योंकि आप सबके हित में है वो चीज़, सीखने लायक चीज़ है वो, बाद में बताऊंगा, अभी तो यहाँ चल रहे पर। अब बोलो तो अब उपयोग क्यों होंगे? अब मैंने कहा क्यों तुम गाली बर्दाश्त कैसे कर ली, तुमने चूड़ियाँ पहन रखी हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम क्या कहोगे पता है पंडित जी? गालियाँ क्या मुझे छूती हैं? गालियाँ क्या हमें लग गई? गालियाँ क्या हमारे कान में घुस गए? गालियों से उसका ही मुंह बिगड़ा? अब ये डायलॉग आपको क्यों याद आ गए कांजी स्वामी के? गालियां मने अड़ती जिन्नती। अब क्यों याद आ गए? इसका मतलब पैसे के लिए तो आप भेद विज्ञान कर सकते हो, तो सम्यक दर्शन के लिए नहीं कर सकते। सुना बोल्ड हो जाओ, आज से मैं अपने आप को टेस्ट करूंगा, देखें दुनिया में कौन मेरी बुराई करता है, कौन कौन गालियां देता है। अब आज ही टेस्ट हो जाए, आपको इतनी खुशी होगी, मजा आ गया, आज उसने गाली दी, मैंने अपने को शुद्धात्मा देखा, मैंने अपने आप को परिपूर्ण देखा, मजा आ गया यार, ये टेस्ट तो बार बार होना चाहिए। अब देखो सारी दुनिया गालियों के नाम पर स्कूल कॉलेजों में झगड़े करते हैं और आप मुस्कुराओगे, फिर कोई ना कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा तुमको गाली बुरी नहीं लगती? हाँ, गाली क्या मुझे छूती है? गाली क्या घुस गई? उसने कहा था उसी का मुंह खराब हुआ, उसी के परिणाम बिगड़े, मैं तो उसी समय अपने को शुद्धात्मा देख रहा था। यह है वो चिंगारी लगाना, सारे कर्म जल जाएंगे गारंटी है। एक एग्जाम्पल दिए ना, ऐसे हर जगह है, हर जगह। आप भोजन करने बैठे और दाल में नमक ज्यादा है, अब आप चाहो तो मत खाओ, चिल्लाओ, लड़ाई झगड़ा करो, टेंशन करो, है मेरे को, मैंने को नहीं खाना है, ऐसा वैसा, भूखे रहो दिन भर कसाई करते रहो। एक स्टाइल है कि नमक मत खाना, दाल मत खा, बाकी खा ले, और दाल खाना ही है तो पानी मिला ले थोड़ा सा, एडजस्ट हो जाएगा नमक। नहीं हो तो एक सब्जी मिला ले उसमें, नहीं हो तो शक्कर वो डाल ले, कुछ जो आइटम हो वो डाल ले, और नहीं एक काम कर, पानी मिला फेंक दे, बिना नमक के खा ले। कई बार ऐसा होता है ना, किसी को नमक डॉक्टर मना कर देता है, अब वो पार्टी भोजन भी करना है और नमक तो सब में डलेगा, बहुत सरल तरीका, लड़ो झगड़ो मत, थोड़ा सा पानी डालो, फेंक दो, सब नमक निकल गया, अब खा के देखना लौकी की सब्जी बिल्कुल बिना नमक की मिलेगी आपको। मैंने स्टाइल आपको सीखनी है। अब मैं आप बताऊं मैं आपको क्या बना, जीनियस बनने का तरीका, तेनालीराम बनने का तरीका है। जिस समय आप गुस्से में होते हैं उस समय क्या लिखा था, क्रोध अंधा होता है, मान बहरा होता है, और माया गूंगी होती है, और लोभ नगटा होता है। तो ये चीजें पढ़ने के लिए थोड़ी, अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए है। आप परेशान मत हो, आपको नए नए रास्ते निकलते चले जाएंगे। और मैं ये जरूर चाहूंगा बेटे, इस उम्र में एक पढ़ाई के साथ एक टैलेंट, एक फन जरूर होना चाहिए, चाहे कविता लिखने का हो, चाहे चित्रकला का हो, चाहे मोटिवेशन का हो, प्रवचन करने का हो, अनुवाद करने का हो, कोई ना कोई एक चीज सबके पास होनी चाहिए जो आपको मजा दे। जो लोग ऐसे कहते हैं ना, हमारे परिणाम बिगड़ते हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े परिणाम होते हैं, मैं बहुत डिप्रेशन में चला जाता हूँ, डिप्रेशन में वो ही जाते हैं जिनके पास कोई फन नहीं होता। हो सकता है पढ़ाई का समय, इस समय आपको कोई काम नहीं 24 घंटे, केवल एक क्लास और पढ़ाई के सिवा, कोई माथे पर बोझ नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है कि दुकान जाना है, कि दूध लाना है, कि सब्जी लाना है, कि चौके में काम करना है। इसीलिए सबसे ज़्यादा बिगड़ने का टाइम होता है, टेंशन का टाइम होता है, फालतू की बातें सोचते रहिए। नहीं आप तो फालतू बैठे बैठे पेंटिंग बनाओ भले ही। पंडित साहब का एक बहुत सुंदर सूक्ति है, जो काम नहीं करते उन्हें काम सताता है। क्या बोला मैंने? जो काम नहीं करते उन्हें काम सताता है। 5 साल का बच्चा भी फालतू बैठा होगा उल्टे सीधे काम करेगा, जिसको हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा वो। ये भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है, यदि आप डिप्रेशन में जाते हैं, आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करते हैं। जो बच्चों ऐसी शिकायत करते हैं ना, मैंने इतना पढ़ाई की थी, मेरे नंबर कम आया, मैं डिप्रेशन में चला गया, चले जाते थे लगभग डिप्रेशन। एक बात समझ ना, डिप्रेशन मिथ्या दृष्टियों की बीमारी, आम बीमारी है, सब कोई होता है। जब भी आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ये डिप्रेशन है। जब भी अपने को टैलेंट का आत्मविश्वास नहीं होता, ये डिप्रेशन है। आपको प्रवचन करने के बाद जरा 4 बातें बता दी, नहीं आपने प्रवचन में ऐसा बोला, ये गलत बोला, इतने में आपको लगता है मैं नहीं करूँगा, मैं प्रवचन करता हूँ, मुझे ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, नहीं नहीं तो ये तो डिप्रेशन है फिर आपको। कल दोपहर की सेशन में मैंने पहला ही एग्जाम्पल दिया था, याद है आप सबको? जो लोग
क्या कमाल है, आत्मोन्नति का हो, टैलेंट का हो, व्यापार करने की कला का हो, इन मामलों में हम परफेक्ट होने के नाम पर कभी कोचिंग नहीं लेना चाहे थे। पढ़ाई के नाम पर आप कभी कोचिंग नहीं लेना चाहे थे, कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, जिन चीज़ों में आप परेशान होते हैं उनमें कभी कोचिंग नहीं लेते। लेकिन ये कार चलाना सीखना हो तो आप बड़े प्रेम से किसी से कोचिंग लेते हैं, क्योंकि आपको पता है यदि हम कार चलाने की कोचिंग नहीं लेंगे तो या तो गड्ढे में गाड़ी जाएगी या एक्सीडेंट होंगे। जो अपने गुरु से नहीं सीखते वे हमेशा घटनाओं से सीखते। अब ऐसे यहाँ लगा लो आप, बिल्कुल शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है, आप पूछिए ना उस बात को। तो एक फन जरूर ले लीजिए आप, संस्कृत आपके लिए मैं हमेशा कहता हूँ प्रायोरिटी पे संस्कृत रखता हूँ। जिन बच्चों की संस्कृत अच्छी है, जिनको कई बार 11-12 के बच्चे बोले हमारी संस्कृत अच्छी है, तो मैं उनके लिए सजेशन दे रहा हूँ, आपको रोजाना संस्कृत से पढ़ना सीखिए, टीका से हिंदी, हिंदी से संस्कृत बनाइए, चाहे जयसेनाचार्य की एक ले लो, एक पैराग्राफ उसकी हिंदी कीजिए, फिर मिलाइए उस में जो हिंदी लिखी, फिर हिंदी से पढ़िए, हिंदी से संस्कृत बना के फिर संस्कृत से मिलाइए, आपकी वोकेबुलरी बढ़ जाएगी। अब आपको दुनिया में कभी कोई प्रकार की डिप्रेशन नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, क्योंकि एक दृष्टांत देता हूँ, हर लड़के का चेहरा अलग है, आँख अलग है, नाक का डिजाइन अलग है, ये दृष्टांत, ऐसे हर लड़के में आनंद देने के लिए एक आइटम जरूर होता है। आपके छोसों में एक कला है, केवल आप उसे पहचानिए, उसे उभारिए। आप कभी विश्व में दुखी नहीं हो सकते, चाहे जितनी परेशानियां आ जाएं, क्यों, क्योंकि अब आपने एक कला सीख ली, लब्धि और उपयोग, आप उपयोग करना सीख जाइए। आपके पास 100 रुपये हैं, चाहो तो आप बर्गर खा लीजिए, चाहो तो 100 रुपये का दूध पीजिए, चाहो तो 100 रुपये की रबड़ी खाइए, चाहो तो 100 रुपये की किशमिश खाइए, और चाहो तो 100 रुपये का गुटखा खाइए, क्या खाइए, क्या जोर से बोलो, हमें आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ क्यों नहीं आ रही, आप दूध पी के नहीं आए ऊपर, जोर से बोले, खड़े होके बोले एक बार, अरे खड़े होके बोल भाई, 100 रुपये क्या खाओगे आप। बैठ जाइए। समझ में आया, चलें अब ये तो बहुत हो गया, अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। मैं तो एक्सपेरिमेंट बता रहा था ना, इसलिए इतनी बात हो गई, वापस आए। लब्धि और उपयोग में बड़ा मजेदार है, पुराण पढ़ते समय आपका उपयोग कहाँ जाता है ये खुद देख लो आप, फिर आप कहते हो अरे भैया पुतम पुराण में ऐसा लिखा है, फला में ऐसा लिखा, अरे तुम्हें वो एक ही लाइन याद है और इतनी अच्छी अच्छी बातें थी, वो कहाँ गई। इसका मतलब है पॉइंट दे रहा हूँ, पॉइंट, हमें जिसकी रुचि होती है उस पर उपयोग जाता है। जैसे यहाँ पर कारण परमात्मा भी है और भिखारी पर्याय भी है, अब तुम्हें भिखारी पर्याय की रुचि है, इसलिए जब देखो जब प्रवचन में से वहां पकड़ लोगे, सोचोगे भी तो वहीं देखोगे, पढ़ोगे सुनोगे कुछ भी करोगे तो वहीं देखोगे, अरे इधर देखो ना। इसको कहते हैं सम्यक दृष्टि कहो, या जिसको ज्ञाय की रुचि होती है, पारिणामिक भाव की रुचि होती है, जिसको जिसकी रुचि नहीं होती, जिसको इसकी ज्ञाय भाव की पारिणामिक भाव की रुचि नहीं होती, होने पर भी नहीं दिखता। एक कब कब है राहुल, नहीं कब है जे, कब है जे, शुद्ध त्रिकाली गायक, त्रिकाली शुद्ध गायक कब है, सदा। और जे कब होता है, पर्याय कब कब होती है, ये एक एक समय की होती है। अब इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी, जो त्रिकाल हाजिर है शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, उसकी तो रुचि नहीं है, सदिकता भी नहीं है वो। और जी एक एक समय करके होता है विकार, असंख्यात प्रकार का होता है, और एक भी विकार ऐसा नहीं जो टिक सके, असंख्यात लोक प्रमाण विकार होने पर भी एक विकार में इतनी दम नहीं है दूसरे समय टिक सके। अब इससे ज्यादा मिथ्यात की और क्या दुर्भाग्य होगा कि जो टिकता नहीं है उसकी रुचि है, और इसकी रुचि के चक्कर में अभी तक सम्यक दर्शन नहीं ले पाया, मोक्ष नहीं ले पाया। और मैं 3 बार बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, यह त्रिकाल शुद्ध है, इसी के आश्रय से चिंगारी जलती है, कर्मों को भस्म करने वाली, इसी का अनुभव करने पर केवल ज्ञान और मोक्ष होता है, इतनी सी रुचि नहीं है बस। मैं फिर से लाइन सुना रहा हूँ, बड़ी प्यारी लगती है मुझे तो, जिसको जिसकी रुचि नहीं होती, होने पर भी नहीं दिखता। कौन की बात चल रही, तुम्हारी, ये तो जाने वाला है शरीर,
ये जो भिकारी भिकारी भाव जैसे तुम कहते, इनमें कोई दम नहीं है, तुमने ही दम दे रखी है उनमें। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता। अब भिकारी भाव में भी तुम्हें बोले निर्विकारी क्या दिखाई देगा, क्यों रुचि है ना उसकी, उसकी रुचि है वो दिखाई देगा। अब मैं आपको इसका दृष्टांत देता हूं, दृष्टांत प्रैक्टिकल। बनिए को पैसे की रुचि बहुत होती है, होती है आप में से रुचि किस किस को पैसे की, किसी को नहीं, ऐसा नहीं सबको ही होगी, दो जनों ने हाथ खड़े करे बस, चलो बढ़िया वेरी गुड, हिम्मत करी आपने वेरी गुड, नीचे बाकी सबको भी है लेकिन वे मायाचारी में डूबे हैं। मैंने हिम्मत ही नहीं पड़ती, हाथ खड़े कर दो। अरे हाथ खड़े करने से दो फायदे होते हैं, यदि थोड़ी सी भी रात को लेट सोए हो, नींद आ रही हो, उबासी आ रही हो, कोई बात हो, तो जैसे कंप्यूटर फ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश ऐसे रिफ्रेश हो जाती है, मैं फिर से पूछ लेता हूँ, चलो ईमानदारी हो तो देख लेना किस किस को पैसे की रुचि है। कोई बात बाकी को मायाचारी मुबारक हो। कोई अभी सुनो, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, मुझे देखो मैं बताता हूँ, एक बार फिर पूछूंगा एक क्वेश्चन, तब आप सोच समझ के हाथ खड़ा करना। देखो पैसे की रुचि होती है तो इसको कैसे, पैसा दिख भी नहीं रहा है, पैसा है भी नहीं और हाथ में भी नहीं है, और फिर भी पैसे की रुचि, ऐसा हो सकता है ना, आपके हाथ में पैसा ना, आंखों में के सामने पैसा और ना आपकी जेब में पैसा, और पैसा है ही नहीं और फिर भी पैसे की रुचि है, ऐसा हो सकता है किसी को। तो मैं इसका दृष्टांत देता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, बनिया बिना पैसे के तादात्म हुए नहीं रह सकता, उसे पैसे की तादात्म रुचि है, बहुत जम के रुचि है। जैसे पहले सरल दृष्टांत देता हूँ फिर कठिन देता हूँ, थोड़ा सरल एकदम होगा। मेरे को कोटा जाना था तो मैं बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था, इतने में राहुल निकले, राहुल ही नाम है ना, हर बार भूल जाता हूँ, तो राहुल ने तो इनने मुझे देखते से पूछा, अरे जय जिनेंद्र पंडित आप कैसे खड़े हो, मैंने कोटा जाना है बस आ रही, अरे हम वहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले झटके में जो आनंद आएगा ना वो कार में बैठने का नहीं आएगा, काय का आनंद आएगा पता है, चलो 200 रुपए बचे। गलत कह रहा हूं, नहीं नहीं होगा आपको इस बात का आनंद, अरे यार फ्री फोकट में कार मिल गई, नहीं तो 200 रुपए बस में लग जाते, मुझे पता नहीं कितने का किराया है, 200-300 जो भी लगते हो, मैंने आपको पहले झटके में वो आनंद आया ना, इसका मतलब जिसको जिसकी रुचि होती है सबसे पहले वो स्पार्क करता है। यदि मान के चलो उल्टा कर दो अपन, आप बस में बैठे थे और इतने में मैं आ गया तो आपने पूछा कहाँ जा रहे हो पंडित जी, कोटा, तो फिर आपने पर्स में से टिकट के पैसे निकाले मेरे लिए, अरे यार ये आ गया टिकट तो लेना पड़ेगा, आप अपना अकेला लो ऐसा थोड़ी लगता है, अच्छा अपना अलग लो इनका अलग लो ऐसा तो अच्छा नहीं लगता, अरे यार अब दो टिकट लेने पड़ेंगे। तो मैंने आपको जो तकलीफ इस बात की नहीं, सुमत प्रकाश जी बहुत खराब व्यक्ति हैं, सुमत प्रकाश जी क्यों मेरे संग जा रहे हैं, इस बात की तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि यार थोड़ी देर पहले अपना टिकट ले लेता ना तो 200 रुपये बच जाती, नहीं अब इनका भी टिकट लेना पड़ेगा, क्यों जब लोगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता, आप अपना पैसा दो हम अपना दें ऐसा तो हो नहीं सकता। आप मूंगफली खा रहे हो इतने में कोई आ जाए तो सबसे पहला जो दुख होता है ना, अरे और 5 रुपये की मूंगफली ली, 2.5 रुपये जो खा जाएगा। आप तो समझ गए, मैंने एग्जाम्पल्स है। अब आप फिर कह रहे हो जिसको जिसकी रुचि होती है नहीं होने पर भी वो ही वो दिखता है। 1 लीटर दूध ढुल गया तो दूध ढुलने की तकलीफ किसी को नहीं होती है, तकलीफ 50 रुपए का सत्य नाश कर दिया तुमने। घर में सास बहू का झगड़ा केवल इसीलिए होता है, सास बहू को भगवान तत्व तो दिख जाए ना यदि, कि बहू भगवान है, गायक है, 1-2 भाव में मोक्ष जाएगी, 2-4 भाव में चली जाएगी, ये तो दिखता ही नहीं किसी को। तो क्या दिखता है, वो घी परस रही थी और घी की लाइन बन गई थोड़ी सी, 4 बूंद गिर गई, ओह कितनी मुश्किल से अपन अट प्यारा घी बनाते, इन इन बाई जी ने घी ढोलता परमेश्वरी सीखत नहीं है, समझत नहीं है, 1000 बार कह दी कतमाई अम्मा ने जो ही सिखा है। मैंने इतनी बात हो गई कि वो घी तो कोई ज्यादा नहीं था, 4 बूंद गिरी थी केवल, लेकिन यहाँ 400 बूंद खून की जल गई और दोनों के बीच में इतनी बड़ी हो गई
कि हो सकता है इतनी छोटी घटना पर इसको हजारों भाव तक एक दूसरे को फॉलो करते रहे। आप यदि पढ़ना चाहें ना तो आप पुराण गौर से पढ़ना, छोटी छोटी घटनाओं पर भाव भाव के बेर बन जाते हैं। दिन भर बहू रोती रही, फिर बहू कोसती रही, जिंदगी भर कोसती रही, हमारी सास डायन है, जासूस है, जब देखो जब देखती रहती है मेरी गलतियों को, मैं इसके साथ जिंदा नहीं रह सकती हूँ, कितने परिणाम खराब कर डाले उसे। चार बूंद घी और इतनी कसाय, बोलो आपकी नजर कहाँ है? करणानियों पर नजर होगी, आप कसाय नहीं कर पाओ। दिक्कत है हमें जिसकी रुचि होती, पैसे की रुचि होती ओनली, असंख्यात भाव बिगड़ जाए हमें इसकी टेंशन नहीं लगती, और अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित होकर केवल ज्ञान होगा। ये चार बूंद घी ढुलने पर यदि हम भगवान आत्मा देख लें, कोई बात नहीं, पुद्गल का ही तो है। मेरा एक डायलॉग है, मैं कहता हूं मैंने पढ़ाने में, एक सास ने नुकसान होने पर बहू से मुस्कुरा के बड़े प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हुए, पीठ पर हाथ फेरते हुए एक बात कही, बेटा अपने घर में पैसा की नहीं पवित्रता की कीमत है। क्या बोला मैंने? अपने घर में पैसे की नहीं, ढुल गया ढुल जाने दे बेटा, 500 रुपए का क्रॉकरी सेट टूट गया टूट जाने दे बेटे, ये होता तो भी हम छोड़ के चले जाते मरते समय, अब टुकड़े छोड़ के जाएंगे क्या फर्क पड़ता है, कचरे की तरह फेंक के जाएंगे, नहीं तो संभाल के रख करके जाते, जाना तो था ही। मैंने उसे पैसे का वैल्यू नहीं थी, पैसे की तुल वो नहीं थी। अब बताओ इस घर में झगड़ा कब हो सकता है? बहू ने खीर जला दी, दूध डोल दिया, कोई भी लो, सास ने देखा और ताली मार मार के हंसने लगी जोर जोर से हंसने लगी, सास घबरा गई, बहू घबरा गई बेचारी, खाओ कौन से भूत लग गए क्योंकि सारी दुनिया में एक्सपेक्टेशन ये होती है कि सास बर्तन टूटते ही देखते सही ज्वालामुखी भाई बन जाएगी वो तो बनी नहीं, वो तो हंस रही, फिर वो बेचारी हक्का बक्का देख रही मम्मी का चेहरा, क्या हो गया कुछ नहीं, मुझे अपना बचपना याद आ गया, जब मैं भी बहू थी मेरे से भी क्रॉकरी सेट टूटा था, मेरी सास भी ऐसे ही हंसी थी हमारा यही करंट चल रहा है बस, तुम भी आओ तुम्हारी बहू भी ऐसी गलती करे, कभी कपड़ा जल जाए प्रेस से, दूध जल जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो तुम उस समय अपने को पारिणामिक भाव देखना, मुझे आज उनकी याद आ रही है, पारिणामिक भाव जी है लब्धि और उपयोग का कमाल। आपको अच्छी चीज भी तो याद आ सकती है, अब वही चीज याद क्यों कर रहे हो कि चार बूंद घी डुल गया, मैंने बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्या नुकसान हो गया जी बताओ, क्या नुकसान हुआ, क्या हुआ नुकसान, क्या हुआ? चार बूंद क्या चीज होती है कि साहब 4 रुपए का नुकसान हो गया, 4 रुपट्टी की क्या वैल्यू है, 4 रुपट्टी में हमारे तुम्हारे भाव बिगड़ गए, वो कितनी खराब है। ये मैंने बहुत विचार करके बोल रहा हूँ आपको, मैंने अपने जीवन में अप्लाई की है भाई, जानबूझ के कह रहा हूँ ताकि आप लोग भी मेरी परीक्षा ले लो लो आप परीक्षा, मैं खुश होऊंगा, मेरी परीक्षाएं भी होती हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बेटे विश्व में जिसकी आलोचना नहीं होती, लेकिन दुखी रहने वाला व्यक्ति आलोचना को याद करता है, और मैंने ये नोट किया है आपको बता रहा हूं कि आलोचना हमेशा कम होती है, 1% भी आलोचना नहीं होती। आप बता दो किस किस की आलोचना हुई, निंदा हुई, बुराइयां हुई, बोलो किस किस को पता है, लेकिन तारीफ कितनी होती है, तारीफ बता सकते हो कितने लोग करते हैं आपकी, मैं बताऊं अपना कैलकुलेशन पूरा 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 कैलकुलेशन सुना आनंद सिद्ध भगवान मुझे पारिणामिक देख रहे, इतना सा नहीं देख रहे, 898,502 केवली भगवान, कितनी काउंटिंग बताई मैंने, 898,502 केवली भगवान अरंत तेरे गुण स्थान भरती, सदा एक समय भी मुझसे घृणा नहीं करती, देवी ध्वनि में मेरा परमात्मा स्वरूप प्रकाशित कर रही, और जब भी मैं विकार की बात आती तो ऐसे गौण करते हैं, कुछ नहीं बेटे कुछ नहीं कुछ नहीं है, सुनो अरंत परमात्मा आचार्य परमात्मा उपाध्याय जरा देखो उनके पास जा करके, ऐसे गले लगा रहे हैं, तुमने ही केवल याद कर रखा है गलत बातों को, और नहीं तो सुनो अंजन चोर को दीक्षा नहीं दे सकते थे वे, दीक्षा नहीं दे सकते थे, ज्येष्ठा और सत्य की मुनिराज इतनी बड़ी गलती करने पर भी, समझते हो आप, रुद्र की उत्पत्ति में निमित्त होते हैं भावलिंगी साधु और भावलिंगी आरिका, दोनों भावलिंगी, और दोनों के निमित्त से रुद्र की उत्पत्ति होती है, इसके बावजूद
आज गलती हुई, अगले दिन मुनि की शुद्धि हो गई, प्राश्चित देके शुद्ध कर दिया, वापस मुनि बना दिया। आर्यिका को 9 महीने बाद फिर दीक्षा मिल जाती है। आप क्या समझते बेटे? अब बोलो आचार्य उपाध्याय साधु, अब सब मिला के सोचो तो 3 + 9 करोड़ मुनिराज मेरे प्रशंसक, और सारी जिनवाणी तुम्हें पढ़ना नहीं आती, ओनली जिनवाणी का एक भी पन्ना बता दो जो तुम्हें कायर बताता हो, पामर बताता हो, दीन बताता हो, एक लाभ निकाल करके एक भी आप ग्रंथ का पन्ना बता देना चारों नियोग में से जो तुम्हें पामर सिद्ध करे, तो पूरा द्वादशंग तुम्हारी तारीफ कर रहा है। अब निंदा की तरफ चलते, थोड़ा सा हिसाब निंदा का भी लगा लेते हैं। प्रशंसक में तो आपके शिक्षक भी हैं, आसपास के बहुत लोग आपके प्रशंसक हैं, लेकिन निंदक कितने हैं जरा बताओ, कौन कौन निंदा करता है? पूरा अमेरिका आपकी निंदा नहीं करता, करता है? पूरा रसिया आपकी निंदा नहीं करता है? घटाते जाओ आदमी, ऊर्ध लोग का कोई आपकी बुराई नहीं करता, अधो लोग का कोई आपकी बुराई नहीं करता, अब मध्य लोक में जाओ, मध्य लोक में बहुत बड़ा है ढाई दीप में कितनी बुराई करते हैं आपकी। अब प्रशंसक की तो लिस्ट बता दी मैंने, और निंदक कितने जरा सही सही बताऊं, ईमानदारी बताऊं आपको, एक लड़के ने दूसरे लड़के को 1 सेकंड ऐसे चमका दिया आंख से, बेंगा बजने लगा उसका, जी हमें जब देखो जब चिढ़ाती है, हमें चिढ़ाती है, अकेले बैठे गुमसुम वही दिख रहा उसका, वो तो करके चला ही गया, उसे तो याद भी नहीं कि मैंने आंख से चमकाया कि जीभ से चमकाया कि ऐसे ऐसे करा, मैं जी है रोत ले। अरे भले आदमी बहुत जा चुका है, लेकिन तुझे गंदी चीज की रुचि है ना, इसलिए तू रो रहा है बैठ के, कई तो कई का है। अरे कई उनकी जवान थी तो कई बोलो नहीं, कई तो कई का है, अरे कर्म का उदय था, अब बोल नहीं, कई तो कई का है, अरे इसलिए कि तुझे बंद होना है, तुझे नरक जाना है, इसलिए कही, बोल, रोएगा तो जाएगा नरक में, बोल। आप लगाओ कितने लॉजिक लगा सकते हो, मैं तो इसमें मस्त हूँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, जब कोई निंदा करता है पूछ लेना मेरे साथ रहने वाले, ये मुझे बताते हैं आज आपकी बुराई हो रही है व्हाट्सएप पर, मेरा प्रवचन उस दिन का ही उतना मस्त हुआ जब प्रवचन मेरी मैंने व्हाट्सएप पर बुराई चल रही थी, सुमत प्रकाश जी को शर्म नहीं आती है, पिताजी एक्सपायर हो गए हैं और ये प्रवचन कर रहे हंस हंस के, ये तो रो रो के करेंगे, जिनवाणी ने यही तो सिखाया है, रोने की क्या बात है। बनारसी दास जी के मामले में आप आदर्श मानोगे और फला के मामले में आदर्श मानोगे, और मैं करूंगा प्रवचन तो अच्छा, मैं रोता ना, मान लो मैं रोता, हाय हमारे पिताजी चले गए, ओ देखो सुमत प्रकाश जी कितो मोए, बढ़िया बात है, गधे पे बैठ जाओ तो भी रोएगी दुनिया गधे से उतर जाओ तो भी रोएगी, रो, तुम्हारा काम रोना है, मेरा काम रोना नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया, मैंने आलोचना क्यों देखो ही मत, चिढ़ाने वाला 1 सेकंड में कह देगा। एक सास ने बहू को अधूरा डायलॉग सुनाया, एक दिन सुनाया भी था थोड़ा सा आपको, फिर दे दे रहे आपको दृष्टांत, थोड़ा डायलॉग बदल देंगे और क्या करेंगे। कोई बात हुई तो सास ने जोर से कही, हमने तुम जैसी नहीं देखी, अब हम जैसी नहीं देखी, इसका क्या मतलब, अब अधूरा वाक्य ना, डायलॉग पूरा तो हुआ नहीं था, हम जैसी नहीं देखी मतलब हम जैसी बहू नहीं देखी, हम जैसी खतरनाक नहीं देखी, हम जैसी ऐसी नहीं देखी, अज्ञानी नहीं देखी, अब खुद ही टीका कर करके दुखी अब रो रही भयंकर, फिर पति माह परमेश्वर आए तो उसने अपनी आग उसके मुंह में डाल दी, उसके कान में, इतना काम करती हूँ सुबह 5 बजे उठ करके 12 बजे तक, मम्मी ऐसा कहती तुम जैसी नहीं देगी, तो वो भी भड़बड़ाने लगा, फिर वो मम्मी के पास गया, क्यों तुमने बहू को ऐसा कहा, हाँ कहा है, क्यों कहा, अरे बेटा इतना काम करती ऐसी बहू नहीं देगी अब 1 सेकंड में सब बात खत्म ही हो गई, ले एक बात कम, जब कोई मेरे से कहता है मैंने तुम जैसा नहीं देखा तो मैं खुश होता हूँ, दुखी नहीं होता हूँ। अपन क्यों उल्टे अनुमान लगा रहे, अलिंग ग्रहण की 172 नंबर की गाथा में 20 बोल में से एक बोल है, आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है, हम क्यों अपना अनुमान गलत लगाएं और उसका अनुमान गलत लगाएं, ये है सुखी होने का आर्ट ऑफ लिविंग, मैंने लब्ध और उपयोग समझ गए,
आप किसका उपयोग कर रहे हो? आप दुखी होना चाहते हो, आपको दुखी होने की रुचि पड़ी हुई है, इसलिए 24 घंटे नेगेटिविटी भरती रहती है। एक नया वर्ड बता दिया आपको, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। तुम्हें दुखी होना है, इसलिए नेगेटिविटी क्यों भर रहे हो आप? अब आप मजे लो, कोई में दम हो तो मेरी बुराई करके बोल, कर ले मेरी इंसल्ट। अभी आपको क्या डर लगता है पता है? कोई को पता ना लग जाए, कोई को पता ना लग जाए, कोई हमसे देख ना ले, कोई हमसे कह ना दे, और जिसने देख लिया उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। शांति जी को मत बताना प्लीज, बार्डन को मत बताना है ढोर। चल मेरे से कोई धमकी दे ने कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा तो मैं उसका हाथ पकड़ूंगा, चल तेले से पहले मैं बताऊंगा। मतलब इसका नाम है मर्दानगी। आप नेगेटिव सोचते क्यों? बच्चों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी? गलतियां होना श्रृंगार नहीं है, गलतियां होना मजबूरी है, योग्यता की कमी की वजह से गलती होती है। लेकिन श्रृंगार नहीं है इसलिए हम उस पर प्राउड नहीं करते, लेकिन हम डिप्रेस भी नहीं होते। क्यों? पंडित साहब की भाषा में गा के सुनाता हूँ, बहुत अच्छी लगती है वो लकीर, मुझे फकीर पंक्ति बहुत अच्छी लगती है। अस्थिरता जन्य प्रभो दोष एक दो, ये नहीं लिखा, कितने दोष हैं? ऐसे नहीं बैठा, कितने दोष हैं? अस्थिरता जन मैं तत्समय की योग्यता, अभी चारित गुण की ऐसी योग्यता है। अस्थिरता जन प्रभो दोष भारी, खटकती खटकती है, खटकती है रागादी परिणति बिकारी। ये तो हुआ नेगेटिव साइड, अब पॉजिटिव साइड देखो। विश्वास है शीघ्र भी मिटेगी, ये भी माने और भी हैं, है तो और भी, ये भी मिटेगी उनके साथ। स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिके, आनंद की बात है। अब देखो, जिनको अच्छी रुचि होगी ना तो जब भी आपको विकार आएगा तो ये लाइन याद आनी चाहिए, एक जब भी कोई विकारी भाव, स्वभाव के सन्मुख दो रसगुल्ले खाली हो और लग रहा है तीसरा भी खींच लें फिर, लेकिन अब आंखें थोड़ी दीन हो जाती हैं, हर्ट भी थोड़ा दीन हो जाता है, और कोई देख ना ले ये भी लगता है, कोई को कहना ना पड़े ये भी लगता है। फिर सबसे पहले अपने फास्ट फ्रेंड को शेयर किया, यार दो खा चुका हूँ तीसरा खाना तो है, लेकिन ये बात भी पक्की है कि स्वभाव के सन्मुख। अरे इतना याद तो लाओ, थोड़ा सा उपयोग आएगा, ये मिटाएगा, करके देखो प्रैक्टिकल, कोई दिक्कत नहीं, तीसरा भी खा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देख लेना ताकत होए, नहीं तो तीसरा रसगुल्ला महंगा पड़ जाए और 500 रुपए की दवाई खानी पड़े, बाद में नींद ही नींद आती रहे। मैंने हमारा मतलब उसको भी समझो, आगे समझ में आया? अब लब्धि और उपयोग समझ में आया आपको? ये जीवन जीने की कला हो गई। अब मैं मुनिराजों में घटा रहा हूँ इसे। जिस समय उपसर्ग होता है मुनिराजों के पास दो ऑप्शन है, चाहे स्वरूप में चले जाएं और चाहे सर्प को देखते रहें। हम लोग जब कहानी पढ़ते हैं ना तो हम पढ़ने वाले प्रायः रो पड़ते हैं या थोड़े बेसे हो जाते हैं। जब भी अपन ऐसी पढ़ते हैं ना, सीता का अपहरण, अंजना को निकालना, नाटक में देखते हैं, मुनिराजों पर उपसर्ग सुनते पढ़ते देखते हैं, तो एकदम अपन का अरे भैया पारसनाथ, अरे पारसनाथ, तो तुम एक साइड देख पा रहे हो। लेकिन उन पारसनाथ को देखो जिनको ये भी याद नहीं आ रही कि ये कमठ है, उन्हें ये भी याद नहीं आ रही कि ये दुष्ट है, ये उन्हें ये भी याद नहीं आ रही हाय हाय हमारे कर्म के उदय, हमने कौन से कर्म बांधे जो 10 भाव से पीछा नहीं छोड़ रहे, अब हम तीर्थंकर बन रहे तो भी नहीं छोड़ रहे, ये भी याद नहीं आई, और ये भी याद नहीं आई, खड़े हो क्यों? खड़ा किया है, बैठ जाओ, ध्यान देना भैया, इतनी बड़ी स्टोरी सुना रहे हो, गजब हो गया, तो मैं बोर हो रहे हो, और सरल स्टोरी सुनाऊं? मैंने पारसनाथ को कुछ याद ही नहीं आ रहा, जी कितना कमाल की बात है, पारसनाथ भगवान को ये भी याद नहीं आ रहा कि कहां मर गया इंद्र, कुछ याद नहीं आ रहा,
क्या कमाल है, यह लब्धि उपयोग का कमाल, उनका उपयोग आत्मा में चला गया, इन सब बातों की वैल्यू जीरो रह गई। आखिरकार उपसर्ग ही मिटा, ध्यान नहीं मिटा, उपयोग वो क्या नाम है वो उपसर्ग ही मिटा, उन्हें केवल ज्ञान की सिद्धि हो गई। आगे चलो, मुनि बनने में डर क्यों लगता है आपको? डर लगता है मुझे पता है पंडित जी, गर्मी के दिनों में तो नो प्रॉब्लम, बस ठंड ठंडी हवा तो बहुत खतरनाक होती है, गर्मी में तो हम वैसे ही अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बात, फिर दूसरा, पंडित जी बरसात भी अच्छी नहीं लगती, मच्छर बहुत होते, क्या से वृक्ष के नीचे बैठेंगे जंगल में, लाखों मच्छर रोज झूमते, एक दिन की बात हो तो चलो निपट ले, तो आप कहाँ देख रहे हो, आपका उपयोग कहाँ जा रहा है बार बार, संयोग और वह संयोग में जो होने वाली घटनाएं उन पर, केस लॉन्च, अंतराय, उपवास, पैदल चलना, फबोले पड़ना पैरों में। अब आप सुनो, इतना बढ़िया तत्व सुनने के बाद आपका उपयोग वहाँ जा रहा है ना, इसलिए आपको कठिन लग रहा है। अब जो मुनिराज बनते हैं और मोक्ष जाते हैं, उनका उपयोग उधर नहीं जाता, उनका उपयोग उधर जाता है। अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, मुनि बनना सरल है कठिन है? अभी भी मैं जानता हूँ आपको कठिन लगेगा, आइए मैं एक दृष्टांत दे के सरल करता हूँ इसको, सुनना दृष्टांत। अच्छे बैठो बेटे, सीधे रीट कर दी एकदम सीधी, बराबर, अच्छे बैठो, तुमसे ही कह रहा हूँ, ऐसे बैठे ना, हाँ तुमसे ही कोई बात नहीं, आप मेरे प्रिय हो ना सब, इसलिए मैं कह देता हूँ, कोई बात नहीं, नींद तो नहीं आ रही, तो ऐसे नहीं बैठो, अच्छा बैठो, नीचे हाथ कर लिए, वेरी गुड। एक्चुअली ये फोकस करने का तरीका है, अपन जब ऐसे बैठे होते हैं ना, थोड़ा सा रीट की हड्डी ऐसी होती है, तो फोकस 90% बचता है, 10% खत्म हो जाता है, और जब ऐसे होते हैं तो 50 खत्म हो जाता है, और ऐसे बैठे तो 80 खत्म हो जाता है, और ऐसे बैठे तब तो पक्के में आप कितना ही सुनो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं ऐसे बैठने का विरोधी हूँ, ठीक है, चलो कोई बात। तो मैं सुना रहा था, क्या सुना रहा था, मुनिराजों की बात सुना रहा था ना, तो अब एक दृष्टांत दे रहा हूँ आपको, यदि आपको 1 अरब रुपए का खजाना मिले अमावस की रात में जंगल में, 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, करेक्ट 12 बजे पहुंचना चाहिए, ना 1 सेकंड पहले ना 1 सेकंड बाद, तो आपको 1 अरब रुपए का खजाना मिलेगा, पक्की गारंटेड कहानी है जी 1 अरब माने 100 करोड़, 100 करोड़ इतना खजाना मिलेगा, रत्न मिलेंगे जो ये सब, अमावस की रात में जाना है, नंगे पांव जाना है, टॉर्च लेके नहीं जाना है, अनजान रास्ता है, आपने पहले कभी उस पर चल के भी नहीं गए हैं, पगडंडी भी नहीं है, कुछ नहीं है, सड़क नहीं है, मैंने मेन ट्रैक नहीं है जहां आप आसान से चले जाएं। बोलो आप में से कितने बच्चे होंगे जो गारंटेड खजाने को लेने के लिए जाना नहीं चाहेंगे, उल्टा पूछ रहा हूं, नहीं जाना चाहेंगे, कौन कौन हाथ खड़ा करोगे, नहीं जाओगे, नहीं जाएंगे, आप भी नहीं जाओगे, अच्छा 2 जने नहीं जाएंगे, बाकी बाकी जाना चाहेंगे। कल्पना करो आप दरिद्र हैं, जन्मजात दरिद्र हैं आप, और आपके पास पूरे जीवन भूखे मरने से अच्छा है कि एक ऑप्शन है आपके पास, पूरे जिंदगी भीख मांगने से अच्छा है एक ऑप्शन है आपके पास, अमावस की रात के दिन आपको मिलेगा खजाना, आप नहीं जाना चाहोगे, हैं? गारंटेड है, जो कह रहा हूं गारंटेड मिलने वाला है, जाओगे, मुझे पता है बहुमत जाने वालों का है, आप जाओगे, ये बात पक्की है कि चोट लगेगी, लेकिन आपको घड़ी पर नजर है, लब्ध और उपयोग बताना है मुझे, चोटों पर ख्याल नहीं है आपका, क्रिकेट खेलते समय चोट लग जाती है आपको खबर तक नहीं पड़ती, बाद में रात को दुखते हैं हाथ पांव, जितने दुखते हैं खेलते समय पता नहीं लगती, सब भूख प्यास का ही पता नहीं लगता, 8 बजे घर में बैठे हो ना चौका में रसोई घर में, आप बिना खाए नहीं रह सकते 10 बजे तक, 10 बार नाश्ता निकालोगे, केले खाओगे, मूंगफली खाने लगोगे, फिर नमकीन खाओगे, कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहोगे खाने के लिए, और 2 बजे तक भी क्रिकेट खेलो ना सुबह 8 बजे से, पानी तक पीने के लिए मुश्किल से सोचोगे चलो पानी पिया है, चलते मैच में पानी तक नहीं पीने जाओगे आप, इसका क्या मतलब, लब्धि और उपयोग की कला आपके पास है। इसी घटना में अब लगाओ, वो व्यक्ति करेक्ट 12 बजे पहुंच गया, खजाना देखते से ही अतीन्द्रिय आनंद हुआ, ओ मजा आ गया, सारी जिंदगी का दारिद्र चला गया,
बीमारी की प्रॉब्लम चली जाएगी, कुछ सब इलाज करा सकूंगा, कपड़े पहन सकूंगा, मकान, अब मैं नाम नहीं गिना रहा हूँ, जितनी सुविधा मिल सकती है ये करो, मैं सारी सुविधाओं का स्वामी हो गया मैं, उसे कितना आनंद आएगा, जबकि वो समझ के पैरों में चोट लग चुकी है, घुटने छिले हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, भूखा पेट है, जन्म जात दरिद्र भूखा है वो, बाल बिखरे हुए हैं, पूरा शरीर देखो तो अस्त व्यस्त है, परेशान है। लेकिन आप बता सकते हो जो इतनी चोट लगने के बाद भी जो खजाना मिला है, इतने कांटे चुभने के बाद जो खजाना मिला है, वो दुखी है या प्रसन्न है, वो रो रहा है या प्रसन्न है, और सारे रास्ते में उसे चोट लग रही थी तो चोट सहलाने बैठ रहा था या खजाना देख रहा था, ये एग्जाम्पल है। ऐसे दिगंबर मुनिराज को कन्फर्म पता है कि ज्ञाय की दृष्टि एनी हाउ एक बार हो गई, सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक का खजाना मिलेगा, अनंत काल का जन्म मरण का अभाव होगा, उसे वो दिखाई दे रहा है उधर, समझ में आया? बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, जो जिसकी दृष्टि वहां है उसे न मच्छर दिखते हैं और न कुछ कमी दिखती है। बिहार का एक लड़का झोपड़पट्टी में रहने वाला, जिसके पास मच्छरदानी तक नहीं है, ओडोमॉस लगाने के लिए नहीं है, लाखों मच्छर से संघर्ष करता हुआ आईएएस बन गया, आईएएस बन गया झोपड़पट्टी में रहने वाला। उसका पिता साइकिल रिक्शा चला चला के पैसा कमाता था, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब उसका अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया ना, मैंने पास हो गया, अब अपॉइंटमेंट मिलने में एक साल लग जाता है लगभग, इस बीच में उसने रिक्शा चलाया है, उसी उसी थाली में रोटी खाई, टूटा टाटा बर्तन था उसके पास, उसी झोपड़पट्टी में रहा है वो, लेकिन आप सोच सकते हो मजे में रहा होगा कि दुखी होकर रह रहा होगा, काय का मजा आ रहा होगा उसे, कलेक्टर कलेक्टर। जब रिक्शा चला रहा था ना तो एक पुलिस वाला आ गया, ए रुक, किससे बात कर रहा है, ऐसे बोल रहा, किससे बात कर रहा है तू, ए तू रिक्शा वाला और मैं सरकारी थानेदार, तू डरता नहीं हमसे, हाँ बोलो क्या कह रहे हो, बोलो क्या कह रहे हो, तुम्हारी वर्दी का नंबर बोलो, और जो इंग्लिश में दो लाइन बोली उसने, मैंने इस समय वो रिक्शा चला रहा है, फटे कपड़े पहना है, थानेदार से नहीं डर रहा, कलेक्टर से नहीं डर रहा, कलेक्टर आए तो उसने हाथ आगे बढ़ा दिया, तो मेरे से हाथ मिलाओगे, यस सर, आपने पढ़ा नहीं अखबार में, मैंने फर्स्ट रैंक लिए पूरे इंडिया में, ये है मेरा नाम और ये है मेरा कलेक्टर आईएएस का पास करने का रिजल्ट, इतने फटे कपड़े में भी कलेक्टर उससे हाथ मिलाएगा, आई वेलकम, कम ऑन, आज मुझे बहुत प्राउड है कि आज तुमसे मिला हूँ मैं, आज मेरा यादगार देने आई मेरे ऑफिस में, आप क्या समझते बेटे, अब तुम कपड़े ही कपड़ा देख रहे थे, और वो लड़का, सही घटना सुना रहा हूँ ये सारी आपको, उस लड़के ने कपड़े नहीं देखे थे इसलिए आईएएस बन गया, उसने मच्छर नहीं देखे थे इसलिए आईएएस बन गया, उसने फूटे कटोरे नहीं देखे, टूटी झोंपड़ी नहीं देखी, लेटरिन करने के लिए जंगल में जाना पड़ता था उसे, उसने कुछ नहीं देखा, पूरे प्राउड के साथ रहा, बस ऐसा है सम्यक दृष्टि का जीवन, उसे पता है मैं भगवान हूँ, मैं भावी सिद्ध हूँ, अभी तुम इसमें देख रहे हो मुझे, ये मैं नहीं हूँ, ऐसे प्राउड के साथ बातें करता हूँ, मैं भगवान हूँ, हूँ परमात्मा छू नक्की कर, यह चौथे गुण स्थान का आनंद दिखाई दे रहा है मोक्ष। अब बोलो, अब मुनि बनना कठिन ही सरल है, लब्धि उपयोग का गणित है बस, अब ये प्रैक्टिस का काम, मैंने क्या कहा था, वर्कशॉप करने की जरूरत है इस पर, आप ऐसी कोई प्रॉब्लम लाओ जिससे आप मुस्कुरा के ना देख सकें, मैं आपको सिखाऊंगा, ऐसी भी कोई भी प्रॉब्लम लाओ जिसको देख करके आपको इन्फीरियरिटी आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, आप करके बता देना मेरे सामने, ना आप जीत जाए तो कह देना। अब देखो सूत्र कौन सा था, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, अपन ने इसको घर में भी घटा लिया, बच्चों में भी घटा लिया, बिजनेस में भी घटा लिया, और मुनि दशा में भी घटा लिया। अब मोक्ष जाने पर क्या होता है, ये उपयोग ही उपयोग है, ओनली 100% उपयोग, अब लब्धि का काम नहीं बचा, क्यों, कि नीचे ही इतना पुरुषार्थ कर चुके हो कि कोई चीज जानने में आने पर भी आपका उपयोग भटकता नहीं है, आप परेशान नहीं होते, भाई ये पुरुषार्थ था, इसी के फल में लब्धि खत्म हो गई और उपयोग उपयोग रह गया। इतना बड़ा गणित पढ़ा दिया आज आपको, टाइम हो गया हो, ठीक है, अब दो स्टोरियां नहीं सुना रहे आपको।
जरूरत पड़ेगी तो बाद में सुना देंगे, समय हो गया। लब्धि उपयोग पर बहुत सोचना। एक माँ अपने बच्चे को लब्धि और उपयोग के बल पे पालती है, लेटरिन करता है, बाथरूम करता है, रोता है, बीमार होता है, तो भी माँ उस बच्चे को कैसे पाल लेती है? घृणा नहीं करती, नफरत नहीं करती है, गले से लगा के रखती, नहीं बेटा कोई बात नहीं, राजा बेटा, राजा बेटा, क्योंकि उसे उसका कुछ और उपयोग है, कहीं और उपयोग है उसका। लगाओ कितना लगा सकते हो लब्धि और उपयोग में। मैं सोचता हूँ आज का विषय आपके जीवन में भी आनंद देगा और मोक्ष मार्ग में भी आनंद देगा, और आप दूसरों को भी समझाएं, प्रवचन करें तो ये विषय समझा सकते हैं। ओम नमः शिवाय।